वीडियो थी गमले में लगे पौधों की, तो उसी की ये आगे की वीडियो है। वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो डिलीट हो गया है, जो भी समझ नहीं आया कुछ, तो ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कि पौधों के उदाहरण, तो जो प्लांट्स हैं इसमें ना, तो उनके बारे में पढ़े थे। तो अजेलिया जो क्या, वो उसको हम हिंदी में अजेत्य बोलते हैं ना, मे बी सुना होगा आप लोगों ने, तो ठीक है। क्रोटन जो है वो रूस फॉइल प्लांट है। डिफेंड बाक्य जो होते हैं वो सदाबहार पौधे होते हैं, उसको उसको हम डम्प कॉर्न भी बोलते हैं। फर्न, फर्न जो है वो सुंदर बारीक पत्तियों वाला पौधा है, जिसका यूज़ सजाने के लिए करा जाता है ना, बागों को या घरों को, ठीक है। फाइकस, जो फाइकस है वो एक मतलब बॉटनिकल नेम है, अंजीर हुआ, पीपल हुआ, तो इनके आगे मतलब इनके रियल नेम भी लगते हैं। तो फाइकस एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। कलांचो जो है वो सर्दियों में फूल देता है ना, ये सर्दियों में लगने वाला प्लांट होता है। सनेको जो है वो पीला फूल वाला प्लांट होता है, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे हम पढ़ते फूल के बीज और रोपण सामग्री। तो फूलों के बीज और रोपण सामग्री, तो जब पौधों को लगाया जाता है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, और क्या है फूलों के बीज और रोपण सामग्री, क्या क्या लगाने के लिए पौधों को, ये सब। तो ओके, अच्छी गुणवत्ता वाले फूल के बीज विशेष रूप से वार्षिक सजावटी पौधों और सजावटी रोपण सामग्री की बहुत मांग है। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाले फूल होते हैं, बीज होते हैं, उनके जो मांग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो फूल होते हैं ना, उनके बीजों की जो मांग होती है वो बहुत अच्छी होती है। मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों की एक अच्छी विविधता की उपलब्धता व्यवहारिक रूप से सभी प्रकार के फूलों के बीज उत्पादन में सक्षम बनाती है। तो जो क्या होता है कि जो मिट्टी और जलवायु होती है ना, ये पौधों को बढ़ने में, वृद्धि करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो एक मतलब हमें जो मिट्टी होती है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं या फिर बागवानी कर रहे हैं, वो मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ पे कौन सा प्लांट है जो अच्छे से ग्रो कर सकता है। जहाँ हम खेती या बागवानी कर रहे हैं वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, वहाँ पे कौन सा प्लांट उसके लिए सुटेबल है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, उसी वजह मतलब उस तरह से हम एक अच्छी बागवानी, अच्छी खेती कर सकते हैं, फूलों की हुई या सब्जी की जो भी हुई, ठीक है ना। बिक्री के लिए वार्षिक रूप से फूलों के बीज बड़ी संख्या में उत्पादित किए जाते हैं। बल्बनुमा पौधों का बड़ी संख्या में बहुगुणन, मल्टीप्लाइड तथा विवरण किया जाता है, जैसे कि हैप्पियल्स, ट्यूबरोज, एमिलियस, डहलिया, लिली, फ्रेशिया, ट्यूबलिप, केला लिली आदि। तो जो केला लिली होती है वो तो सबने देखी होगी, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम उसको केली भी बोलते हैं, केले के पेड़ जैसी होती है, पर वो छोटा होता है ना, और उसमें कोई मतलब फल वल नहीं देता। लिली सभी को पता है, ठीक है। तो और बाकी ये जो नाम है आप गूगल पे सर्च करके देखिए, क्या है कि इनके जो हिंदी नाम है वो मतलब इनको इसी नाम से जानते हैं वो, जो पर जो प्लांट है ये बहुत कॉमन है और हम लोगों ने देखे भी हैं, पर इनका जो हिंदी नाम रहता है, हिंदी नाम मतलब या लोकल लैंग्वेज में हम उनको कुछ बोलते हैं, पर ये उनका रियल नेम यही है। तो ना आप सर्च करिए और देखिए, नहीं तो मैं खुद एक वीडियो में सबकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगी, प्लांट को दिखाऊंगी, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्सरी। नर्सरी पौधों और रोपण सामग्री को बहुगुणित और उसकी आपूर्ति करने हेतु होती है। तो जो नर्सरी होती है वो पौधों के रोपण सामग्री को बहुगुणित और उनकी आपूर्ति के लिए होती है। सजावटी पौधों की नर्सरी विभिन्न प्रकार के पौधों और रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए आकर्षक रिटेल या थोक व्यापार है। रोपण सामग्री प्लांटिंग मटेरियल्स में नर्सरी की रोपाई या पेड़ झाड़ियाँ, आरोही, क्लम्बर्स, वार्षिक रोपाई, बारहमासी पत्ते वाले पौधे, फ्लोएज प्लांट्स, बल्बनुमा, बल्बनुमा मतलब जो एक झुंड में रहता है ना प्लांट, मतलब सॉरी फूल वगैरह, एक गुच्छा जैसा होता है वो पौधे, कैक्टस, कैक्टस नागफनी और अन्य रसीले पौधे, पंप, आंतरिक सजावटी
सजावट के लिए पौधे, घासें, बीज, बल्ब आदि। तो नर्सरी में तो मतलब आपको हर प्रकार के पौधे मिल ही जाते हैं, बल्ब नुमा हुए, कैक्टस, रसीले पौधे हुए जो, और घर के अंदर जो हम सजावट के लिए लगा सकते हैं। घर के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हफ्ते में एक दो बार धूप लगाओ, दिखा दो, वो अच्छे बढ़ते हैं, उनको हम घर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, घास आजकल घरों को सजाने के लिए मतलब ऐसी घास का भी यूज़ होता है जो मतलब आर्टिफिशियल घास देखी होगी आपने, बीज बल्ब आदि शामिल है। ठीक है, मैं पर इसमें रियल घास की बात हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग आगे का जान लेंगे, लॉन, परफ्यूम का उत्पादन, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई वॉइस का इशू हो रहा है या दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है वर्ड्स का या कुछ भी, या समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।